तो बच्चे देखो, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ आरएनएस इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो बच्चे देखो, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एक एनर्जी बैरियर का क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं उनका नंबर कितना होता है, वो होता है e की पावर माइनस ए बाई आर टी। बच्चों ये आपको नंबर याद रखना है, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एनर्जी बैरियर क्रॉस करेंगे और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा तो क्या होगा, उनका इफेक्टिव कोलिजन होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा, क्लियर है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर जो रिएक्शन का जो रेट होगा, ध्यान से देखो, जो रिएक्शन का जो रेट होगा, आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ई की पावर क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर टी होगा, ठीक है। और बच्चों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट होता है इंटू कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी यहां से आया कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कॉन्स्टेंट भी है। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइंड करके क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो रेट कॉन्स्टेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसको मैंने ए मान लिया, ये होगा ई की पावर ए बाई आर टी। देखो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये सब क्या है, इसके पावर के ऊपर है, ठीक है ना, इसकी पावर है, सब ध्यान रखना। तो मतलब रे के मतलब क्या हो गया, के मतलब हो गया रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ए को क्या बोलते हैं हम लोग, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ई की पावर क्या हो गया, माइनस ई ए, ई ए मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो पहले इस पार्ट को आप जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों देखो, K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरहेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है, और ये बात याद रखना, आरहेनियस इक्वेशन जो होती है कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होती है, नॉट वैलिड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वैलिड नहीं होती है, एंड रेडियो एक्टिविटी, है ना, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे बच्चों याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था जितनी भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो सारी सारी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट यूज नहीं होता है, वहां पर क्या यूज होता है, लैमडा यूज होता है, डीके कॉन्स्टेंट। जबकि ये इक्वेशन किसमें है, रेट कॉन्स्टेंट के टर्म में है, जबकि वहां पर रेट कॉन्स्टेंट तो होता ही नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम में आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी हर जगह यूज़ कर सकते हो, हर ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। तो दो जगह ही एप्लीकेबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो के मतलब क्या होता है, ये वाला जो फैक्टर होता है क्या होता है, ये वाला एनर्जी का फैक्टर होता है, और जो ए फैक्टर होता है ये क्या होता है, ओरिएंटेशन का फैक्टर होता है। देखो ए क्या होगा, इट टेक्स अकाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, आरहेनियस फैक्टर ही बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर ही बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोल सकते हो, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद का पार्ट मैं डिस्कस करता हूँ।
तो बच्चों देखो, आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर आपसे कुछ ग्राफ पूछे जाएंगे, तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगी, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ई ए मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, क्लियर है। चलो फिर ठीक है, अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर क्या लिखा हुआ है, माइनस ई ए बाई आर टी है। अगर आप ln ले लो तो क्या होगा, ln k इक्वल टू होगा ln a इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि ln a m इंटू n क्या होता है, ln m प्लस ln क्या होता है, n होता है, मतलब ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ln k इक्वल टू हो गया ln a, अब ये माइनस ही ln m की पावर n क्या होता है, n ln m होता है, मतलब आएगा माइनस ई ए बाई आर टी। और ln e बचेगा, ln e कितना होता है, 1 होता है, मतलब क्या आ गया, ये इक्वेशन इसकी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ग्राफ देखो कैसा पूछेगा कि बच्चों बताओ ग्राफ बनाओ, यहाँ पर क्या वर्सेस क्या बनाना है, ln k वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखो 1 बाई टी मतलब क्या होगा, जब 1 बाई टी की वैल्यू 0 होगी तो ln k की वैल्यू क्या होगी, वो ln a होगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ln a होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे 1 बाई टी इंक्रीज करोगे, ln a क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, ln k क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो माइनस में बढ़ रही है, मतलब वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ बच्चों कि ln k वर्सेस ln a का ग्राफ नहीं चाहिए उसको, उसको किसका ग्राफ चाहिए, बोलेगा log k वर्सेस 1 बाई टी। पहले क्या था, ln k वर्सेस 1 बाई टी था, अब log k वर्सेस 1 बाई टी है, क्या क्या बताओ, इसका ग्राफ बनाओ। चलो ठीक है, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो ln को log में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को, log में कैसे कन्वर्ट करोगे, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, log k इक्वल टू, इसको भी log में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2.303 log a, है ना, माइनस ये बाई आर टी, ये टर्म आ गया। अब देखो चलो 2.303 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, चलो मैं इसको यहाँ अलग लिख देता हूँ, तो इसको 2.303 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी log k इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी, ठीक है ना। अब अच्छा देखो 1 बाई टी, जब ये 1 बाई टी की वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी, तो log k की वैल्यू क्या होगी, log a होगी, मतलब ये टर्म क्या होगा, ये log a होगा। अब जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, माइनस से बढ़ेगी, मतलब ये वाली वैल्यू कम होगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, देखो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक हम लोग ने आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि अब क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। तो बोला है फॉर अ रिएक्शन वेरिएशन ऑफ ln k कैसे कैसे वेरी कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। बोला कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ a, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, k इक्वल टू a इंटू ई की पावर क्या थी, माइनस ए बाई आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब बोथ साइड ln ले लो तो क्या होगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसको और इसको, इन दो चीज़ों को कंपेयर करो, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ln k लिखा हुआ है, यानी यहाँ से ये आ गया कि ln a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, ठीक है।
अब दूसरा देखो, पहला बोला एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, अब इस वाले और इस वाले पार्ट को कंपेयर करो, तो माइनस वन बाई टी माइनस वन बाई टू क्या है, सेम है, यानी यहां से आ जाएगा ई ए बाई आर इक्वल टू आएगा 20, क्या दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, तो सिंपल उठा के यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी किसमें निकालोगे, किसके टर्म में निकालोगे, आर की वैल्यू यानी तुम कौन सी रखोगे, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी होगी, अगर वो जूल में दी होगी तो आर की वैल्यू क्या रखोगे, जूल वाली रखोगे, अगर वो लीटर एटीएम में रखी हुई होगी तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम में लोगे, ठीक है ना, आर की वैल्यू याद है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाली 0.0821। अगर कैलोरी में लिया गया होगा तो आर की वैल्यू किस में रखोगे, कैलोरी में रखोगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड और फोर्थ पर डिस्कस करते हैं। तो बोला वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, कब बताओ, इतने डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, चलो फिर तो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करो, इतने डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा कि यहां से ये लिखा है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, इसमें 273 ऐड करो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 500 केल्विन। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे के की जब क्या करोगे, टी की वैल्यू रखोगे 500, क्योंकि यहाँ पे जो होता है केल्विन में होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और वो रेट कॉन्स्टेंट मतलब के की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो बस ये उठा के यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, तो के आ जाएगा मतलब रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्लियर है आप लोगों को, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट वॉट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन विल बी इतने मिनट, ठीक है। अब देखो जो यहां मैंने दिया नहीं था, बट ये जो रिएक्शन दी है आपको, कौन सी रिएक्शन दी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, ठीक है ना, तो ये ऐड कर लेना आप इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो क्या बोल रहा फोर्थ ऑप्शन में, एट वॉट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन विल बी इतने मिनट, किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ टाइम इतने मिनट होगा, चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, लिखा है ln के इक्वल टू क्या होता है 5 - 20/T हो गया, ठीक है। अब याद करो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ln 2/K होता है, होता है कि नहीं होता है, तो हाफ लाइफ इक्वल टू ln 2/K, तो k इक्वल टू क्या होगा ln 2/T हाफ, है ना, तो ये लिखा हुआ ln, यहाँ पर क्या होगा ln 2/T हाफ। देखो ध्यान से, मैं याद लिख देता हूँ फिर से, ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से, तो कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है हाफ लाइफ इक्वल टू होता है ln 2/K, ठीक है, तो k इक्वल टू होगा ln 2/T हाफ, ln 2 कितना होता है 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, टी हाफ दिया हुआ है मतलब कितना हो गया 1.386, तो ये क्या आ गई k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा ln 0.693/1.386, क्या बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कमेंट करके बताओ। ये देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे यहाँ से क्या होगा, t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी किस में आएगी, केल्विन में आएगी। तो अब ऑप्शन में देखना केल्विन में पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी, ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा होगा तो उसमें क्या करोगे -273 माइनस कर दोगे, अगर केल्विन में पूछेगा तो यही वैल्यू उठा के रख दोगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या कहोगे आपको आगे मिलने वाले हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नोट करिए। तो बच्चों देखो इसी में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ठीक है ना, किसका वेरिएशन, रेट कांस्टेंट का। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्डिनेस इक्वेशन पढ़ा था, तो मैं उसी इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ।
तो आरहेनियस क्वेश्चन क्या था, के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर क्या था, माइनस ई ए बाई आर टी था। तो बच्चों देखो रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इस इक्वेशन समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे चेंज होगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं डिस्कस करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर केस वन लेता हूँ। केस वन मतलब मैंने क्या लिखा, इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखा। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो एक डायरेक्शन में होती है, जैसे मान लो क्या होगा कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर एक रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा, ठीक है। या फिर मैं इसको चलो के से लिख देता हूं तो भी बात सेम ही है, यहां पर एक ही के यूज होगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा, ठीक है। तो बच्चे देखो यहां पर क्या होगा, मैंने माना, ध्यान से देखें यहां पर, कि जब टेम्परेचर कितना था, जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टी वन है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जो रेट कांस्टेंट है वो कितना हो गया, के वन है। जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई, टी टू होगी, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मैंने के टू मान लिया। यानी टेम्परेचर चेंज करोगे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो टी वन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को मैंने के वन मान लिया, और टी टू टेम्परेचर में जो रेट कांस्टेंट उसको मैंने के टू मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो यहाँ जब रखोगे तो क्या आएगा, वहाँ पर आएगा के वन इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी वन। एक इक्वेशन ये आ रही है, तो इक्वेशन वन मान लिया। अब ये वाली वैल्यू उठा के रखो वहाँ पर, तो क्या आएगा, के टू इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, बहुत ही आसान थी। टेम्परेचर देखो मैंने चेंज किया, तो रेट कॉन्स्टेंट देखो चेंज हो गया, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट मैंने कर दिया। तो जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, के टू बाई के वन आएगा इक्वल टू, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी टू डिवाइड बाई ई की पावर क्या आएगा, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी वन आएगा। क्या ये समझ में आ रहा आप लोगों को, चलो ठीक है। अब इसको चलो और सॉल्व करते हैं हम लोग, जब इसको और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, ये टर्म आएगा, ये ऊपर जाएगा तो आएगा e की पावर आएगा ई ए बाई आर टी वन आर टी टू लिख देते हैं, माइनस ई ए बाई आर टी टू प्लस ई ए बाई आर टी वन। देखो ये टर्म आएगा, आप लोग भी सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है ना। देखो ये टर्म आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको चलो और अच्छे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहां क्या लिया, मैंने ln ले लिया। तो जब ln लोगे तो क्या होगा, ये आएगा ln k2 by k1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये टर्म को सॉल्व करके मैंने यहां लिखा था, क्योंकि ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ln लोगे तो क्या होगा, यह आएगा ln e, ठीक है। इसकी पावर क्या है, माइनस ई ए बाई आर टी टू है और प्लस ई ए बाई आर टी वन है, ठीक है। अब मैंने देखो बच्चों क्या किया, यहां पर इस टर्म को मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि एल एन एम की पावर एन क्या होता है, एन एल एन एम होता है। यानी मैं लिख दूंगा एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू आएगा माइनस ई ए बाई आर टी टू प्लस ई ए बाई आर टी वन आ गया, और ये क्या आ गया, एल एन ई आ गया। और एल एन ई क्या होता है बच्चों, ये एल एन ई की वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है। चलो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू आएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, ई ए बाई आर को कॉमन ले लिया। तो जब ई ए बाई आर कॉमन लोगे तो वैल्यू आएगी वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान से। और ये मैंने क्या पढ़ाया था आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ था।
इस वाले फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया था, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस टाइप से डिपेंड करता है, मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास ट्वेल्थ में, तब मैं वहाँ पर डेरिवेशन भी करूँगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने डेरिवेशन किया हुआ है। अभी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म यूज़ किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, तो ln K2 by K1 equal to minus A by R 1 by T2 minus 1 by TN T1, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको माइनस हटा दो, तो माइनस हटाओगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला माइनस अंदर लाओगे तो साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ln K2 by K1 equal to A by R into 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। और K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो K1 रेट कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पर और K2 रेट कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पर। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको, तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे थ्योरी वाला पार्ट ये पढ़ा हम लोगों ने, इसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस पर, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, और K1 की वैल्यू दी हुई है। अब बोल रहा है व्हाइल एट 127 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया है, रेट कांस्टेंट 5 × 10⁴ दिया हुआ है, तो T2 की वैल्यू दी है 127 डिग्री सेल्सियस और K2 की वैल्यू दी हुई है। बोला एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालो, मतलब EA की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा सॉल्व ना। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो एक बार। तो लिखा हुआ है ln K2 by K1, मुझे पता है रेट कांस्टेंट कैसे वैरी करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाता है 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हो गया ln K1, कितना दिया रेट कांस्टेंट, K1 दिया है 5 × 10⁴, K2 कितना दिया है, ये दिया 5 × 10⁴, और ये कैलकुलेशन ही बहुत आसान है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10⁴ को लिख सकते हो 2, है ना, ln 2 लिख सकते हो, खैर वो तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है, R की वैल्यू हो गई, T1 कितना दिया केल्विन में रखो, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 300 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड करोगे इसमें, और ये क्या हो जाएगा T2 मतलब हो गया 400 केल्विन। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, EA की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, आसान हो गया। ln को चलो लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 2.303, और यहाँ पर लॉग कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। अब ऑप्शन में देखना क्या दिया हुआ है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल में दी है तो R की वैल्यू कौन सी लोगे, जूल वाली लोगे, क्योंकि R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलोरी में दी है तो R की वैल्यू कौन सी लोगे, कैलोरी वाली लोगे। समझ में आ रही ना बातें, चलो फिर ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो हम लोग सेकेंड केस पढ़ने वाले हैं, सेकेंड केस क्या है, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेकेंड केस मतलब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्या होगा, बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, और सेम टाइम पे प्रोडक्ट से क्या होगा, रिएक्टेंट भी बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी किसका आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का आएगा, रेट कांस्टेंट किसका आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का आएगा, ठीक है। और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की आएगी, रेट कांस्टेंट कौन सा आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही आप लोगों को। अब जो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो कोलिजन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कोलिजन फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन फैक्टर की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन फैक्टर अलग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने बोल दिया AF बोल दिया। ओरिएंटेशन फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से करते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चलो फिर ठीक है।
अब बच्चों जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट के कोलिजन पर डिपेंड करेगा, यानी प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, तो ये ओरिएंटेशन फैक्टर अलग होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको ए बी लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा है, के इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो अगर तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन का देखो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ पे के एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होगा रिएक्टेंट का होगा, मतलब ए एफ हो जाएगा, ये ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस ई ए फॉरवर्ड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन का होगा, कोलिजन फैक्टर क्या होगा प्रोडक्ट का होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट का जबकि यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट का होगा, इसलिए मैंने ए भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा ई की पावर माइनस ई ए क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन की डिवाइड बाई आर टी हो जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही, पहले देख लो क्योंकि ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही थी तो वहां पर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी एक ही यूज हुई थी, तो तुम चाहे ई ए फॉरवर्ड लिखो चाहे तुम ई ए लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वहां पर एक ही रेट कॉन्स्टेंट यूज हुआ था, तो चाहे तुम के एफ लिखते चाहे तुम के लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर एक ही फ्रिक्वेंसी फैक्टर यूज हुआ था, मतलब कोलिजन फैक्टर यूज हुआ था, जिसको आप आरहीनियस फैक्टर ही बोलते हो या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोलते हो, सब मैं बता चुका हूँ। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये ओरिएंटेशन को अकाउंट में लेता है, ओरिएंटेशन किसका रिएक्टेंट का हो जाएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये किसका ओरिएंटेशन फैक्टर होता है रिएक्टेंट का होता है। जबकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है डिफरेंट होती है, रेट कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट होता है, और ओरिएंटेशन फैक्टर यहाँ प्रोडक्ट का होता है वो भी डिफरेंट होता है, जबकि यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर रिएक्टेंट का होता है। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, मैंने सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो क्या होगा के एफ डिवाइड बाई के बी आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो मैंने फर्स्ट बाई सेकेंड करता हूँ, सेकेंड बाई फर्स्ट नहीं करता हूँ, ठीक है फर्स्ट बाई सेकेंड करता हूँ, तो के एफ बाई के बी हो गया, ए एफ बाई ए बी हो गया इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस ई ए फॉरवर्ड बाई आर टी है ना, डिवाइड बाई क्या होगा ई की पावर माइनस ई ए वो भी कौन सा बैकवर्ड बाई आर टी। ठीक है, बहुत ही आसान था, आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। तो देखो यहाँ बच्चों फिर इसको और सॉल्व करते हैं, ये लिखा है के एफ बाई के बी लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है ए एफ बाई ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, और इंटू लिखा हुआ है ई की पावर, ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो आएगा माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये माइनस ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है डिवाइड बाई आर टी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को यहाँ तक? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड के रेट कॉन्स्टेंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या टर्म लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मतलब के इक्विलिब्रियम, तो के एफ के बी अलग होता है, के इक्विलिब्रियम अलग होता है, इसको मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया ए इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि दो कांस्टेंट है, ए एफ भी कांस्टेंट है ए बी भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट की जगह मैं एक नया कांस्टेंट लिख देता हूँ, ए मैंने लिख दिया, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट मैंने कैपिटल ए बना दिया डैश। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो चाहे कैपिटल ए लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, चलो मैं यही लिखता हूँ ई हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, ये लिखा हुआ है माइनस कॉमन ले लो, चलो जब यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, देखो ये वाली टर्म आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताओ, डिवाइड बाई आर टी आ गया। देखो ये सब ई की पावर में है, क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूँ पहले, तो चलो मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूँ।
यानी बच्चों देखो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो ईए फॉरवर्ड होता है और माइनस ईए बैकवर्ड होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये डेल्टा एच होता है, याद आ रहा आप लोगों को। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर आएगा के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्विलिब्रियम इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एच लिख दिया क्योंकि डेल्टा एच होता है, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे जबकि रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों मैं पहले रफ करता हूँ इसको, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। अब वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग किसको वेरी कराएंगे, वेरिएशन किसका देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए इंटू ई की पावर, चाहे ए इक्विलिब्रियम लिखो चाहे तुम बी सी डी कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पर ई ए की जगह क्या होता है, डेल्टा एच होता है ना, और डेल्टा एच मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है इसको, ठीक है ना, जब मैंने ग्राफ बनाया था तब डिस्कस किया था डेल्टा एच मतलब क्या होता है, तो कोई भी लोग भूलना मत। तो जो ये टर्म हम लोगों ने लिख लिया, अब देखो हम लोग इसका वेरिएशन कराएंगे ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कितना ले लिया, T1 ले लिया, तो मैंने माना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है कितनी होगी, कि इक्विलिब्रियम 1 होगी, ठीक है। और जब मैंने टेम्परेचर चेंज कर कितना कर दिया, T2 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मैंने मान लिया के इक्विलिब्रियम 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू ए, टेम्परेचर चेंज करने पे ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा एच भाई क्या हो जाएगा, आर टी वन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम 2 है ना, ये क्या आएगा, यहाँ पर भी ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या आएगा, फिर आएगा डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी टू। देखो पहले इस बात को, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो बहुत ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को कैलकुलेट करना है सब चीज़ें, या फिर आप डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला याद कर सकते हो, मैं लास्ट में बता दूंगा फॉर्मूला, ये समझ लो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने क्या किया देखो, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया, जब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करोगे तो के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम 1 आ जाएगा इक्वल टू ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी वैल्यू यहाँ पर आएगी ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी 1, यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। देखो ध्यान से आप देखो, तो माइनस डेल्टा एच बाई आर कॉमन लोगे तो 1/T1 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस कॉमन लोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू लिखा हुआ है
ई की पावर माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ठीक है, अब यहाँ बच्चों मैंने क्या किया, एल एन ले लो, तो यहाँ पर जब एल एन लोगे तो तुम्हें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एल एन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी एल एन के इक्विलिब्रियम टू डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम वन इक्वल टू, ये क्या होगा, टर्म आगे आएगा क्योंकि एल एन एम की पावर एन क्या होता है, एन एल एन एम होता है। ठीक है, डेल्टा एच बाई आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। बच्चों मैंने एक ये कैलकुलेशन गलत कर दी है, आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पर टी टू होगा और यहाँ पर टी वन होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, माइनस हटा दो तो ये टी वन टी टू आएगा, यानी ये टर्म हटा दो यानी ये टर्म हटा दो, तो करेक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये टर्म आ गया, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, किसके टर्म में हो गया, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के टर्म में हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो पहले। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, टी वन टेम्परेचर में जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो ये है, और टी टू टेम्परेचर में जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो ये है, और डेल्टा एच क्या हो गया, चेंज रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोग ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, तो लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5%, तो रेट कांस्टेंट 5% इंक्रीज कर रहा है, कब, जब टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है 300 से 310। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का कितना इंक्रीज कर रहा है, 5%, जिसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। अब बोला वाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस बाई 2% फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज, तो बोला एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 300 से 310 केल्विन इंक्रीज किया गया, उसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, 5% इंक्रीज कर गया, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना इंक्रीज किया, 2%, तो बोला कैलकुलेट ये फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चों रेट कांस्टेंट का याद है आप लोगों को फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट कैसे कैसे वेरी करता है, और एक अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे वेरी करता है, तो दोनों लिख लेते हैं हम लोग। तो रेट कांस्टेंट में क्या था, एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू क्या था, ई ए बाई आर था, वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, और ये ई ए मतलब कौन सा होता है, ई ए फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है रेट कांस्टेंट के टर्म में, जबकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम टू डिवाइड बाई क्या था, के इक्विलिब्रियम वन था, इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा एच होता है, ये हो गया वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ठीक है, अब बोल रहा है रेट कांस्टेंट 5% इंक्रीज कर गया, इसका मतलब देखो बच्चों क्या होगा, कि अगर के वन की वैल्यू तो मानो 100 है, तो के टू कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्योंकि 5% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये 2% इंक्रीज कर रहा था, मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, ये 100 है, तो बताओ बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 हो जाएगी। मैंने 100 माना, आप कुछ और भी मान सकते हो, आप 200 मान लो, तो अब 200 लिखोगे तो वहाँ पर 210 लिखना पड़ेगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चाहो तो ट्राई करके देख लेना, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, 500 मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 525 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 500 का 5% कितना होता है, 25। ठीक है, तो आप कैसे भी लेके करो, कोई आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो मैंने 100 माना जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 5% इंक्रीज कर रहा, तो मैंने 5% इंक्रीज कर दिया। बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% इंक्रीज कर रहा है, मैंने 2% इंक्रीज कर दिया, बस उठा के सब वैल्यू उठा के रख दो, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये आएगा एल एन के टू बाई के वन, के टू कितना है, 105/100 इक्वल टू क्या आएगा, ई ए फॉरवर्ड डिवाइड बाई आर, ठीक है, 1/T1-1/T2, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, बहुत ही आसान थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ln
के एक रुपया मतलब हो गया 102/100 इक्वल टू ये होगा डेल्टा एच बाई आर, ये हो गया 1/300 माइनस 1/ क्या हो गया 310 हो गया। ठीक है तो बच्चों देखो दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। चौदह तुम डिवाइड करके देख लो तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, बस फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लो आंसर आ गया। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो देखो बच्चों ये वाली वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बचा है, डेल्टा एच ये फॉरवर्ड और ये बचा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? या फिर एक चलो और आसान तरीका है, आप चलो डिवाइड मत करो, है ना, तो चाहे तुम डिवाइड ना करो, एक और आसान तरीका देखो बताता हूँ। अब यहां से क्या करो, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, किसकी वैल्यू, यहां से ई ए फॉरवर्ड क्या करोगे, देखो ये सब कुछ पता है, ये पता है, ये पता है, आर की वैल्यू रख दो, आर क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू जब यहां पे रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ई ए फॉरवर्ड की वैल्यू आ जाएगी, देखो है ना। तो यहां से आप क्या सॉल्व कर लोगे, ई ए फॉरवर्ड की वैल्यू सॉल्व कर लेना यहां से। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत ही आसान है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, और कमेंट करके बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। अब देखो बच्चों इस इक्वेशन को पकड़ो, अब इस इक्वेशन में चलो यहाँ पर क्या करोगे, ये इक्वेशन लिखी हुई थी, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस इक्वेशन बच्चों देखो तुम्हें क्या करना है, यहां से क्या करोगे तुम, इनको सॉल्व करो, आर की वैल्यू रख दो, जूल में रख दो मान लो, तो डेल्टा एच की वैल्यू जूल में आ जाएगी, यहां पे जूल में रखोगे तो ई ए फॉरवर्ड भी किसमें, जूल में आ जाएगा, तो ई ए फॉरवर्ड आ चुका है, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें निकालना ई ए बैकवर्ड, क्योंकि यहां पे क्या निकाला, ई ए फॉरवर्ड एंड ई ए बैकवर्ड निकालना, तो ई ए फॉरवर्ड तो आ चुका है लेकिन यहां से डेल्टा एच आया, ई ए बैकवर्ड नहीं आया, ई ए बैकवर्ड कहां से आएगा, ये वाले फॉर्मूले से, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों डेल्टा एच का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं, डेल्टा एच यहां से आ चुका है, ई ए फॉरवर्ड जो ई ए है यहां पर, ई ए कौन सा फॉरवर्ड है, वो यहां पे आ चुका है, मतलब यहां से क्या होगा, ई ए बैकवर्ड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान से था, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको, और प्लीज आंसर निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको करनी चाहिए, एग्जाम को क्यों आपको देना है, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करिए, अगर हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लिख लो आप।